अयोध्या रेंज के नवागत डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डीआईजी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उनके पूर्व जन्मों का फल है कि अयोध्या में काम करने का उन्हें मौका मिला। अयोध्या एक संवेदनशील स्थान है। इस प्रश्न पर उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर ही संवेदनशील व्यक्तियों की तैनाती होती है। यहाँ के सभी अधिकारी संवेदनशील हैं, मेहनती हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। डीआईजी ने कहा कि मंडल में पांचों जिलों में कानून का राज स्थापित करने की कोशिश होगी, सरकार के मंशा के अनुरूप काम किया जाएगा। देखिए, यहाँ तो जो सुरक्षा के प्रबंध है, आपको पता है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ एडिशनल एसपी एक स्तर के अधिकारी यहाँ पे तैनात हैं। उनके अंदर पीएसी रहती है, हमारी 12 कंपनी पीएसी यहाँ पे है, एक पूरी बटालियन सीआरपीएफ की है और उसमें 6 कंपनी यहाँ पे डिप्लॉयड है, कमांडेंट उसका सुपरविजन करते हैं। और साथ साथ जो जनपदीय पुलिस है तो पुलिस अधीक्षक के, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उनके सुपरविजन में सारा काम होता है। और यहाँ की जो, चूँकि ये धर्म नगरी है, इसमें बहुत तरह के धार्मिक आयोजन, मेले और इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, तो सबको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए यहाँ पे शासन की तरफ से बहुत सारे उपकरण हैं, विशेषज्ञ हैं और जिनकी तैनाती की गई है, तो इन सब का समुचित प्रयोग हो, इनका समय समय पर मार्गदर्शन हो, रिहर्सल हो और हम लोग किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। और उसके लिए पुलिस बल को तैयार रखना, ये हमारा दायित्व होगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।